अंधा याद करे। तो उस अंधे को जाकर कहिए, मैं सभा में जाने लायक ना मेरी चोरी चपर भाग करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी चोरी चपर भाग करे। द्रौपद चाल मेरे सिंह में, द्रौपद चाल मेरे तंग में, देखा अंधा याद करे। बहु बेटी ने बुरी तको हो या चतरी का धर्म नहीं। ओ बहु बेटी ने बुरी तको हो या चतरी का धर्म नहीं। हली कारा मत जाने रो, प्रशासन तेरे गल पड़ जागी, पतला घड़ी अनाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी इज्जत बर्बाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी इज्जत बर्बाद करे। सभा में बुलाया क्यों है? इसलिए बुलाया है। क्यों बुलाया है? मेरे भाई ने इसलिए याद किया है। किस लिए? तेरा नंगा, तुझे पहले नंगी करके फिर डांस देखेंगे। अच्छा, सभी महारथी, और उसके बाद मेरा भाई दुर्योधन तुझे भाई संग पे बैठेगा। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, ये देखकर बात कर। तू बात किससे कर रहा है? हाँ, एक दासी थे। दासी नहीं, द्रौपदी हूँ मैं, अग्नि स्वरूपा द्रौपदी, खत्म कर दूंगी तुझे। हेलो हेलो भाई महाशय जी, जो बात है वो कही जाएगी। भाई द्रौपदी हैवी पड़ रही है, तू हल्का पड़ रहा है यार। हेलो, ढोलक बारे मारोगे? वो तो वैसे ही दुखी है पहले ही बेचारा। नहीं गुरुजी, हकीकत में बहुत दुखी है। आज मेरे को बता रहे तो पूरे गुरुजी बड़ा तंग हो, वो ज्यादा कहने की चुपचाप इधर लड़ाई लड़े, इधर मत लड़े, यहाँ टक्कर ले। यहाँ ढोलक वाले पे टक्कर क्या लेता है? यहाँ ले टक्कर यहाँ। अच्छा, हाँ यहाँ टक्कर में टन्ने टन्ने बोलेगी, एक ही लाठी में मर जाएगा। अच्छा सुन ले। मेरे जैसी और किसे में देवर मिले समाई नहीं। मेरे जैसी और किसे में देवर मिले समाई नहीं। तेरे जैसी हरे कुल में जा और बद जा।
आई नहीं। बेका दे मत, बेका दे मत, ऐसे ही बेका दे मत बोले जोदो काती तेरी कमाई नहीं। बेका दे मत बोले जोदो काती तेरी कमाई नहीं। तेरा नंगा नाच देख के, तेरा नंगा नाच देख के, तेरा नंगा नाच देख के, दुर्योधन बर्बाद करे नहीं किसी में जोर साँचा, गंगा जी में गाद करे। सभा में जाने लायक ना मेरी दुर्योधन बर्बाद करे। शासन को दे रहे हैं, थोड़ा सा दूध पीने जाके जा। अरे जा, चली जा, तू चला जा, तू जाएगी तो सही, तू जाएगी तो सही। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आवाज नीचे करके बात कर। कहाँ खड़ा है ये देख के बात कर। हाँ खड़ा हूँ तेरे महल में। छाती पर चढ़ के तेरा खून पी जाऊंगी, छाती पर चढ़ के। हाँ और मैं चाहिए कोई ना, थोड़ा सा मैं वकालत पानी पिला दे से। जैसे हमारे अनिल भाई साहब बैठे ना, मैं वकालत करूंगा, तू थोड़ी देर दूसरा सन दम ले, पसीना देगा। अरे आजा आजा, कोई बात। ए पंचाली, ओ गंजे चुप रे, वो सात बालकों का बाप है और तू? मैं क्या हूं, मेरे कोई बालक नहीं है। और सुन, हां महाशय ऋषिपाल की वो चार लाइन अब मुझे याद आ रही है। कौन सी? गंगा में कौन सी? आज भरी सभा में जा जा सुन ना, आज भरी सभा में होगा तेरा नाच नंगा। क्या लगा ठुमके पंचाली, ये झूम उठेगी। ये झूम उठेगी बाबा बजाइयो, ये झूम उठेगी महफिल, ऐसा होगा दंगा। बजे चम चम ताली, चुप बैंड बाजे वाले चुप हो जाओ। क्या कह रहा है? भरी सभा में होगा तेरा नाच नंगा, लगा ठुमके पंचाली, लगा ठुमकी पंचाली, और झूम उठेगी महफिल, ऐसा होगा दंगा। अच्छा, जब बजेंगी जम जम के ताड़ी। ओए, अब तुम्हारे बस की कुछ नहीं रहा है, अब इनके बस की। अच्छा एक बात बता, तुम अपने आप को क्षत्रिय बताते हो? हाँ, हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय हैं? हाँ हैं। बॉडी दिखा दे अपनी। बॉडी दिखा भाई, देख इसे मरा जा रहा है। बॉडी इधर भी देख, सॉलिड बॉडी देखू, बेकार है। महेंद्रगढ़ का परफ्यूम ले रही है ये बॉडी। बात सुन मेरी, अपने आप को तुम क्षत्रिय बताते हो? हम क्षत्रिय हैं, पर मैं तुम्हें क्षत्रिय नहीं मानती। क्यों? क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे बस की अस्त्र शस्त्र तलवार भाला उठाना तुम्हारे बस की बात नहीं रही। अच्छा, अब तुम औरतों को सभा में ले जाओगे और नंगी नचाओगे। अरे जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो क्षत्रिय नहीं होते, वो तो हिजड़े होते हैं, हिजड़े। और तुम दोनों हिजड़े हो, हिजड़े। अरे जा हिजड़े, चल तू भी जा हिजड़ा कहीं का, देख क्या है। हंस रहा है वो तो, यो भी हंस रहा है बाबा। ओ दादा, दादा है ना ये हिजड़ा। चुप, वो तो तेरी दोनों बहनन की जन कहा मामी पीरो, जैसे तम कहो वैसे हामी बल्ले दनी हद कर ला। क्या कहा हमें हिजड़ा कह रही है? अरे हाँ हिजड़ा भी है और गंजा भी है। गंजे पढ़ाता है फुर्सीद खान, तेरी जैसे मोल के लगवाऊंगा मैं भी। इधर आ, क्यों भाई मोर बारे हो? एक बात तो बताओ भाई, रिश्तेदार हो यू हमें हिजड़ा कहे और तुम हंसो, ये शर्म की बात ना, डूब मरने की बात ना,
और सुन सुना, तेने तो हवा में तीर छोड़ दिया तो थोड़ा ठिकाने पे लग गए, ये हंस गए, लेकिन मैं ओरिजिनल तरीके से इन्हें हंसाऊंगा। अरे तू क्या ओरिजिनल तरीके से बताएगा? ओरिजिनल तरीके से हंसाऊंगा। हंसा, रामायण जानती है तू? जानती हूँ। ताऊ जी रामायण जानते हो? जानते हैं। बता राजा दशरथ के कै बहू थी? तीन। वो तो यूं करो, यूं ही राजा दशरथ के ना पता मूचन में कितनी थी? तीन। अच्छा बताओ राजा गोपीचंद के कह बहू थी? सोलह। या ढोलक वाले के कहे? पता नहीं। बाजे वाले के? दो। मेरा कहने का मतलब ये है, आपने कहा कि राजा दशरथ को तीन बहू थी, गोपीचंद को सोलह थी। हाँ। मेरी दादी कभी कहानी सुनाया करती तो कहती थी कि एक राजा को सौ रानी थी। तो? यानी कि दादा मेरा कहने का मतलब ये है, तुमने ये तो सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि एक मर्द को कई औरत हो सकती हैं, लेकिन दादा तुमने ये दुनिया में ना सुना होगा, ना पढ़ा होगा, ना देखा होगा कि औरत एक और खसम पांच पांच ले रही हो, पांच पांच। ओए, कच्चा में एकल के चिपेच पेच ले लियो, खुश होने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुन, तू बता कि तेरे कितनी घरवाली है? सही सही बताइए, झूठ मत बोलिए कतई, बिल्कुल सच सच बताना। असहमत? हाँ, इनके बहम पैदा कर दे जैसे मेरे सौ दो से हूँ, मैं राम रहीम के छोटो बाबा जी में ही हूँ। मान लिया। मेरे मेरे एक औरत थी, वो ही है और कसम से वो ही रहेगी एक ही। देखो भाई देखो, इनके एक घरवाली थी। हाँ। एक घरवाली है, वही है और एक घरवाली रहेगी, वही रहेगी। तेरे एक घरवाली है जब तेरा टप्पर बन रहा है, और मेरे देख पांच पांच खसम है, पांच पांच खसम को कैसे झेल रही हूँ, और पांच खसम को झेलने के बाद भी तुम दोनों की टक्कर ले रही हूँ। बोल। ए रुको भाई, अब तू जा रही है, अब तू धर्म ही मानते? हाँ। तुझे धर्म है तो या दादा की सौगंध है? दादा की कसम। सही बताइयो। हाँ बता भाई, तू सही बताइयो। रुक जा, ढोलक। सही बता रही हूँ, बोल भाई। दादा सही पूछा जा, तू उनते टक्कर ले रही है? हाँ ले रही हूँ। तू सही बता भाई, भीम ते कैसे? बता 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 बता, भीम ते कैसे? भीम से टक्कर ले रही हूँ। ठीक है, आ जा। अरे बंदूक चला होगा? जावेंगे कौन नचाने वाला है, जब खुद भगवान बचावेंगे। कौन नचाने वाला है, जब ईश्वर लाज बचावेंगे। आज सभा में नंगी कर दे, आज सभा में नंगी कर दे, गौरव खेल खिलावेंगे। वो सृष्टि के, वो सृष्टि के, वो सृष्टि के रचने वाले जग के खिलावेंगे। वो सृष्टि के रचने वाले जग के खिलावेंगे। जैसे मुजरिम पे, तेरा जैसे मुजरिम पर, तेरा जैसे मुजरिम पे, बटक के सतया जल्लाद करे। मेरे भाई ने दुर्योधन ने तुझे याद किया है? मैं नहीं जाऊंगी। या तो राजी राजी चाह। अरे नहीं जाऊंगी, नहीं तो तेरे ठा के ले भी ले जाऊंगा मैं। अरे तेरी इतनी औकात कहां है जो इस द्रौपदी को ले जाए? अच्छा हाँ। तो सुन सुन पहले मेरी बात, क्या ये नार नहीं
नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं रसरंगी है। हाँ। अरे ढकले तो पूरे कुल को ढकले, वरना नंगी की नंगी है। देख गंजा भी आया। देख भाई साहब, वो कौन सा हलवाई था जो पैसे दे रहा था? है? राजेंद्र हलवाई। या तो तू चुपचाप चली चल, नहीं जाऊंगी। और नहीं तो तेरी ऐसे जलेबी उतार देंगे जैसे राजेंद्र जलेबी उतार देता है। अरे तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, सिर्फ हवा में ही बात करती हो तुम। देखे क्या कर दे तेरे काम करते थे। दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, खाने लायक तो रहेगी। अरे जा गंजे, तू बकवास मत कर, निकल यहाँ से। अब तो तू भी गंजी करनी ही पड़ेगी। रूप दूसरा। साच कहे बिन ओ मेरा बेटा जई ओले ले ले जा जा ओले मेरा बच्चा। एक एक बार लाड कर दे इसके, एक बार कर दे। ओले ले 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 मेरा बाबू। हाँ ओ मेरा बाबू जई जा। छोटा देवर बेटे के समान होता है, बेटा जा। हेलो यार राजी राजी चाल। बाल बालों पे भी डाई हो रही है, ये भी वो बालक रह रहा है। कहे बिन प्यारे देवर दिलियों टाट जाता है ना। उस ईश्वर की माया का कदर वेद किसे न पाता। पहला करा होया भर में द्रौपदी। दूसरे की आस करे मान सिंह के भजनों की।